सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नेक वीडियो एप्लीकेशन की स्नेक आईडी के ऊपर। अगर आप भाई अपनी स्नेक वीडियो एप्लीकेशन के अंदर स्नेक आईडी जो है इसे चेंज करना चाहते हैं, तो गाइस आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप भाई जो है वो स्नेक वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर जो स्नेक आईडी है आप भाइयों की, उसे चेंज किस तरह कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप भाई भी आईडी को चेंज करना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप भाई लास्ट तक नहीं देखेंगे, वीडियो का स्टेप मिस करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगी। सो गाइस, इसके साथ ही अगर आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शुरू कर दें। इसके साथ ही अगर भाई इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक जो है वो कंप्लीट कर देंगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। सो गाइस, बिना वक्त जाए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम भाई जो है वो स्नेक आईडी जो है इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आप भाइयों ने क्या करना है, आपके पास जहाँ पे स्नेक वीडियो एप्लीकेशन जो इंस्टॉल है तो आपने इसे ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आप भाइयों को देखने को मिलेगा। तो सो गाइस, लास्ट पे अगर आप भाई गौर करें तो आपको मी का आइकन जो है वो देखने को मिलेगा। आपने इस मी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप भाई इस मी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप भाइयों को ऊपर ही एडिट प्रोफाइल का आइकन जो है वो देखने को मिलेगा। सो गाइस, आपने उस अपने एडिट प्रोफाइल वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप भाई उस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर आपको जो है वो सेकंड नंबर पे स्नेक आईडी जो है वो देखने को मिलेगी। आपने स्नेक आईडी वाला आइकन जो है जो आगे टैप हुआ हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको इधर जो है स्नेक आईडी टैप करने के लिए कह दी जाएगी। तो सो गाइस, बताता जाऊं कि स्नेक आईडी के जो वर्ड है वो 5 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए। तो सो गाइस, आपने इधर अपना जो वर्ड है वो टाइप करने हैं। आप भाई ने अपनी स्नेक आईडी जो है वो टाइप कर देनी है। स्नेक आईडी टाइप करने के बाद ऊपर या भाई को सेव का आइकन जो है वो देखने को मिल रहा है। सो गाइस, आपने इसे सेव कर देना है। तो आप इसे सेव करेंगे तो आपकी देख रहे हैं कि हमारी जो स्नेक आईडी है वो चेंज हो चुकी है। तो इस तरह आप भाई भी अपने मोबाइल के अंदर जो है वो स्नेक वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर जो स्नेक आईडी है उसे चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं आप भाइयों को पता चल गया होगा। सो गाइस, अगर आप भाइयों का स्नेक वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर और कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर शेयर करना है। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।